हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रीन ब्लिस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, हम लोग मनी प्लांट के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग पोथोस भी बुलाते हैं। इसकी कई सारी वैरायटीज आती हैं और ये एक कॉमन हाउसहोल्ड प्लांट है। ज़्यादातर घरों में मनी प्लांट लगा हुआ होता है। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल वैरायटी है मनी प्लांट की। मेरे पास कई सारी डिफरेंट वैरायटीज हैं मनी प्लांट की। इसमें से कुछ वैरायटीज को ग्रो करना बहुत ज़्यादा इजी है, पर जो डिफरेंट वैरायटीज हैं यहाँ पे, जैसे आप ये मेरा एंजॉय पोथोस देख रहे हैं, एंजॉय मनी प्लांट का, ये थोड़े सेंसिटिव होते हैं। इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और ये ज़्यादा वाटरिंग से जल्दी रूट रॉटिंग इसमें होने लगती है। और फ्रेंड्स, ये मेरा नियॉन पोथोस का प्लांट है। ये मदर प्लांट से ही मैंने इसको प्रोपोगेट करा था। मनी प्लांट्स को प्रोपोगेट करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके दो मेथड हैं, एक तो ये जो सॉइल में प्रोपोगेट होता है और ये दूसरा जो वाटर प्रोपोगेशन है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा कि मनी प्लांट्स को बुशी कैसे बनाएं, घना कैसे बनाएं। ये आप जो मेरी बास्केट देख रहे हैं, इसमें मैंने कई सारी कटिंग्स एक साथ लगाई थी। फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपको मनी प्लांट को बुशी बनाना है तो उसकी ट्रिमिंग करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा आप कटिंग करेंगे और इसको अगर क्लाइंबर की तरह नहीं बढ़ने देंगे तो इसमें से न्यू ग्रोथ जो होगी वो प्लांट को घना बनाएगी। और मैंने इस बास्केट में कई सारे मनी प्लांट्स की कटिंग लगाई थी, जिसमें से कुछ सक्सेसफुल हुई हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से बाकी सारी कटिंग्स ख़राब हो गई हैं। मनी प्लांट रेनी सीजन में बहुत आसानी से ग्रो करता है। इस बास्केट में जितनी भी ये डेड स्टेम्स हैं, सबसे पहले हम लोग इसको कट कर देंगे और जितने भी ये जो लीव्स हैं, ये सनबर्न की वजह से येलो हो गई हैं, इनको भी हम लोग हटा देंगे। फ्रेंड्स, मनी प्लांट को घना बनाने का जो दूसरा मेथड मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं आपको वो दिखाऊंगा। मनी प्लांट दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप इसको बहुत लंबे लंबे क्लाइंबर्स की तरह बढ़ने दें, या फिर इसकी आप ट्रिमिंग करके इसको घना बना लें। तो ये जो मेरे आप बास्केट देख रहे हैं, इसमें भी मैंने सेम प्रोसेस ही करा था। कई सारी कटिंग्स लगाई थी एक साथ में। सबसे पहले तो इसमें से भी मैं जितनी ये डेड स्टेम्स हैं ये हटा देता हूँ। मनी प्लांट को घना बनाने का जो सेकेंड मेथड है, उसमें हम लोग एरियल रूट्स का हेल्प लेंगे। टाइम टू टाइम मनी प्लांट में मॉइस्चर, आसपास में एनवायरनमेंट में मॉइस्चर की वजह से एरियल रूट्स निकलने लगती हैं और इन रूट्स से सेपरेट जो प्लांट है वो ग्रो करने लगता है। आपको इन एरियल रूट्स को बस सॉइल में इंसर्ट कर देना है, जिससे कि यहाँ से इस नोड से न्यू प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाए और हमारे एक ही प्लांट से, एक ही स्टेम से कई सारे जो प्लांट हैं वो निकलने लगें। इससे भी हमारा जो ये बास्केट है ये बहुत जल्दी घना लगने लगेगा। फ्रेंड्स, ये जो आप मेरी ऊपर रखी बास्केट देख रहे हैं, इसमें भी मैंने यही करा था, सेम प्रोसेस करा था और 6-7 महीने के अंदर ही मेरी ये जो बास्केट है पूरी तरीके से लीफ से कवर हो गई। फ्रेंड्स, किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र भी बहुत ज़रूरी है। मनी प्लांट एक एवरग्रीन प्लांट है, इसमें हमेशा न्यू ग्रीन लीव्स निकल के आती रहती हैं और इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोगों को इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र ऐड करना चाहिए, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से हो सके। और इसके जो ग्रीन लीव्स हैं, कलर मेंटेन रखने के लिए मैं एक आपको फर्टिलाइज़र बताऊंगा, वो भी आप ऐड करिएगा। ये जो आप फर्टिलाइज़र देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है काउडंग कम्पोस्ट का। आप किसी भी काउडंग कम्पोस्ट, जो भी आपके पास है, या कोई भी खाद है, उसमें आप पानी ऐड करके 2-3 दिन के लिए रख दें। उसके बाद आपका ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये रेडी हो जाएगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र देने का फ्रेंड्स ये फ़ायदा रहता है कि इसको जो हमारे प्लांट की रूट्स हैं वो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब करती हैं, तुरंत प्रोसेस में आता है ये। इसको हम लोगों को थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र, एटलीस्ट 100 ml फर्टिलाइज़र सभी प्लांट में आपको अपने प्लांट के अकॉर्डिंग देना है। अगर प्लांट ज़्यादा घना है तो आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी ऐड कर सकते हैं। 100 ml फर्टिलाइज़र यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ अपने ये बास्केट्स में,
और कुछ ये जो मेरी बास्केट्स हैं इनमें मैं कम फर्टिलाइज़र भी डालूंगा, क्योंकि अभी इसमें ग्रोथ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आई है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र की वजह से भी प्लांट हमारा ख़राब होने लगता है। आपको ये भी हमेशा बात ध्यान में रखनी है कि कभी किसी प्लांट में ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना ऐड करें। ये फर्टिलाइज़र मैं अपने सारे प्लांट में ऐड करता हूँ, जितने भी मेरे ये ग्रीन एवरग्रीन प्लांट्स हैं, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र ही आपको देना है। ये मेरा नियॉन मनी प्लांट है, इसको मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही प्रोपोगेट करा था। फ्रेंड्स, आप इन प्लांट की लीफ देखिए कितनी ज़्यादा कलरफुल हैं। अगर आपको भी अपने मनी प्लांट की लीव्स ऐसी ही वाइब्रेंट कलर्स की चाहिए, तो इस नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के साथ में आपको एक दूसरा फर्टिलाइज़र भी ऐड करना पड़ेगा, जिससे इसकी ग्रोथ और कलर बहुत अच्छे से निकल के आएगी। लिक्विड फर्टिलाइज़र के अलावा भी आपको एक फर्टिलाइज़र ऐड करना है, वो ये है रेड पोटेशियम, रेड पोटाश भी इसको बोलते हैं। ये प्लांट के जो लीव्स हैं इनके कलर को बहुत अच्छी तरीके से ग्लो करता है। ये देखिए, ये केमिकल फर्टिलाइज़र है, तो हमें अपने प्लांट्स में बहुत कम यूज़ करना चाहिए। मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करता हूँ, बट जितने भी ये मेरे ऐसे एवरग्रीन प्लांट हैं, मैं इनमें कभी कभार थोड़ा सा 3 से 4 दाने या 5 दाने इनके लाल पोटेशियम के, रेड पोटाश के ऐड कर देता हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र के अलावा भी इसका ये फ़ायदा रहता है, जब भी आप वाटरिंग करेंगे तो कुछ अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र यहाँ पे पानी के साथ में अब हमारे प्लांट को मिलता रहेगा। और आपको बार बार जो ऑर्गेनिक खाद है, काउडंग कंपोस्ट हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गई, इसको ऐड करने का आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र है, आपको कम से कम यूज़ करना है। फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद हमें बहुत अच्छी तरीके से अपने जितने भी ये बास्केट्स हैं इनमें पानी डालना है। फ्रेंड्स, मनी प्लांट को आप जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करा पाएंगे और जितना हैवी वाटरिंग करेंगे उतना ही अच्छा है, बट पानी इसमें आपके जितने भी पॉट हैं इसमें रुकना नहीं चाहिए। वेल ड्रेनिंग सॉइल हो तब मनी प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। फ्रेंड्स, मेरे बताए ये तीनों मेथड अगर आप ट्राई करेंगे तो आपका प्लांट भी बहुत जल्दी घना हो जाएगा और इनके जो लीफ के कलर्स हैं वो भी बहुत अच्छे दिखेंगे।